अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म। आगे मेरे पास टर्म है कॉलमनिस्ट। आपने सुन रखा होगा, कॉलमनिस्ट के नाम भी आप जानते होंगे। तो कहते हैं जी कि जर्नलिस्ट रेगुलरली राइटिंग टू अ न्यूज़पेपर और मैगजीन विद अ परमानेंट लेबल हेडलाइन ऑन हिज राइटिंग। यानी कि कॉलमनिस्ट क्या है, वो जर्नलिस्ट है जो अपने किसी कॉलम के टाइटल से रेगुलरली किसी अखबार में लिखता है, वो कॉलमनिस्ट कहलाता है। कॉपी राइटर अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू राइट द वर्ड्स फॉर एडवर्टाइजिंग मटीरियल। कॉपी राइटर, कॉपी मैटर टू बी प्रिंटेड, जो चीज़ प्रिंट होनी है उसको कॉपी कहेंगे। कॉपी होल्डर क्या है, कहते हैं जी कि इन प्रूफ रीडिंग सेक्शन ऑफ एन इंग्लिश पेपर। प्रूफ रीडिंग क्या है कि जब कोई स्टोरी आ जाती है तो उसके दोबारा उसको प्रूफ रीड किया जाता है पब्लिश करने से पहले। कहते हैं जी द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज दैट द प्रूफ रीडर होल्ड्स द प्रूफ ऑफ द टाइप्ड मैटर and makes correction and another holds the copy and reads it aloud for comparison purposes. The latter is called copy holder. यानी कि जब कोई स्टोरी किसी प्रेस में, न्यूज़ एजेंसी में जब से ब्रॉडकास्टर्स के पास पहुँचती है, तो एक उसमें आप ये कह लें कि ऑफिशियल उनका, वो उसको करेक्शन पर्पजेज़ के लिए देखता है, लेकिन फिर साथ ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल स्टोरी थी उसकी को रूह तो नहीं डिस्टर्ब होगी, तो दूसरा बंदा जो कॉपी, जो ओरिजिनल फॉर्म में जो आई होती है स्टोरी, उसकी कॉपी जो होल्ड करता है उसको कॉपी होल्डर कहते हैं। ठीक है, ऐसे मेमोराइज कर लें। कॉपीराइट आपको पता है, ये कॉपीराइट बड़ा कॉमन वर्ड है। एक्सक्लूसिव लीगल राइट, इसको कॉपीराइट कहते हैं। क्रॉस्पॉन्डेंट, क्रॉस्पॉन्डेंट क्या होता है, रिपोर्टर हु सेंड्स न्यूज़ फ्रॉम आउटसाइड अ न्यूज़पेपर ऑफिस। यानी कि ऑफिस की प्रेमिसेस से बाहर जाके, फील्ड में जाके जो रिपोर्टर न्यूज़ भेजता है उसको क्रॉस्पॉन्डेंट कहते हैं। क्रेडिट लाइन, अ लाइन गिविंग सोर्स ऑफ कॉपी और इलस्ट्रेशन। क्रेडिट लाइन क्या है कि अगर कोई स्टोरी आई है तो वो कहाँ से आई है, उसकी जो अ लाइन गिविंग सोर्स ऑफ, वो उसका सोर्स मेंशन करने वाली जो लाइन है उसको क्रेडिट लाइन कहेंगे। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आगे की टर्म्स मैं अगली वीडियो में टेकअप करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।